अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुजफ्फर ऑनलाइन एकेडमी में आशिक अब्बासी। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे पार्टीशन ऑफ बंगाल। बड़ा अहम टॉपिक है, इसके हवाले से बहुत सारे सवाल आते हैं। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल जो बेसिकली 16 अक्टूबर 1905 में इंप्लीमेंट हुआ था, और इसके जो है वो थोड़ा बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली लॉर्ड कर्जन जब वायसराय बना था ब्रिटिश इंडिया का 1898 में, तो उसने जो है 1901 में यानी न्यू प्रोविंसेस बनाना शुरू कर दिए थे। इसने जो है NWFP भी इसने बनाया था 1901 से लेके 1903 में गालिबन। इसी तरह जो है वो जो बड़े प्रोविंसेस थे उनको डिवाइड करना चाहते थे अपनी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी सहूलत के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटीज के लिए, ठीक है। और बंगाल के हवाले से जब लॉर्ड कर्जन ने जो है वो इसको विज़िट किया था 1904 के गालिबन, तो उससे पहले भी बंगाल पे काम हो चुका था कि बंगाल को डिवाइड किया जाए ना किया जाए, ठीक है। क्योंकि बंगाल जो है वो ब्रिटिश इंडिया का अंग्रेज़ों का सबसे बड़ा प्रोविंस था। इसमें जो है वो बंगाल और बिहार और ओडिशा, ये तीन बड़े एरियाज जो है वो मिला के बंगाल प्रोविंस बनता था। बहुत बड़ा प्रोविंस था बंगाल प्रोविंस। तो इसकी जब तकरीबन जो एरिया थी वो 189,000 स्क्वायर माइल्स जो है वो इसकी एरिया थी टोटल, और इसकी जो पॉपुलेशन थी वो अराउंड जो है वो 78 मिलियन से लेके 80 मिलियन तक, 8 करोड़ के लगभग जो है इसकी पॉपुलेशन थी। तो इसी तरह जो है ये, और उसके अलावा इसमें बहुत सारे मज़हब, बहुत सारे जो है वो कल्चर और सिविलाइजेशन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो है वहाँ पे रहते थे, मुसलमान भी रहते थे और नॉन मुस्लिम्स भी रहते थे, ठीक है। और इसके दो मेजर एरियाज थे, ईस्ट वेस्टर्न बंगाल। वेस्टर्न बंगाल जो है उसमें ऑलरेडी जो है वो पूरा सेटअप जो है वहाँ पर था, वेस्टर्न बंगाल में बिजनेस का, कोर्ट्स का, और इसी तरह कलकत्ता पोर्ट भी वहाँ पे था, बड़ा डेवलप था। इसी तरह जो है वो ईस्टर्न बंगाल जो है बड़ा रूलर और स्लम था, वहाँ पे मुसलमान ज़्यादा रहते थे, उधर हिंदू ज़्यादा रहते थे, ठीक है। तो इसी तरह जो है वो वहाँ पे डेवलपमेंट कम थी, फेमाइन का इशू होता था और कम्युनिकेशन का इशू होता था, ठीक है, सैलाब आते थे, तो रूलर एरिया बड़ा अंडर डेवलप था। लेकिन रूलर एरियाज़ में मुसलमान ज़्यादा थे और वहाँ के मुसलमान सबसे ज़्यादा जूट पैदा प्रोड्यूस करते थे, ठीक है। और जी लेकिन उनकी जो मिलें हैं, जो उनकी मिल्स हैं, वो वेस्टर्न बंगाल में लगी हुई थी। तो जो ओवरऑल मुस्लिम्स जो हैं वो बंगाल प्रोविंस में जो है वो नेगलेक्टेड कम्युनिटी थी। अब हुआ क्या, ब्रिटिश इसको पार्टीशन क्यों करना चाहता था, मैंने आपको बताया अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटी, क्योंकि एक गवर्नर जनरल जो है वो रूल कर, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो रूल करता था इसको, इस पूरे प्रोविंस को, और उसको पूरा साल लग जाता था कि पूरे प्रोविंस विजिट करते हुए, ठीक है। बहुत बड़ा प्रोविंस था इनका बरतानिया का, तो इस वजह से वो जो है वो उसको डिवाइड करना चाहते थे अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव क्या कहते हैं उसको, ईजीनेस के लिए, ताकि उसको इंतज़ामी तौर पर अच्छे तरीके से उसको डील कर सकें। पार्टीशन 16 अक्टूबर 1905 को इम्प्लीमेंट हुआ, ठीक है। और जब इनको दो प्रोविंस में डिवाइड किया गया, एक ईस्टर्न बंगाल, ईस्टर्न बंगाल ढाका उसका कैपिटल बनाया गया, और यहाँ पे जो मुसलमान थे वो मुसलमान 18 मिलियन मुसलमान थे और 12 मिलियन जो है वो हिंदूज थे। इसी तरह जो है जो वेस्टर्न बंगाल था, वेस्टर्न बंगाल उसका कलकत्ता कैपिटल था, और इसी तरह जो है यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन 44 मिलियन और 42 मिलियन जो है हिंदूज थे और 2 मिलियन जो है वो मुसलमान थे। तो यानी जो वेस्टर्न बंगाल वैसे भी जो है वो हिंदू मेजॉरिटी
एरिया था, वो बाद में जब प्रोविंस बना तो हिंदू मेजोरिटी और मुसलमान इसमें। लेकिन अब मसला क्या था, मसला ये था कि मुसलमान जहाँ पे मेजोरिटी में थे वो एक प्रोविंस बन गया था अलहदा से, तो इस वजह से जो है वो नॉन मुस्लिम्स के लिए बड़ा जो है वो एक इशू उन्होंने किया कि स्पेशली इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस को उठाया, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो रिप्रेजेंट करती थी उस वक्त जो है वो इंडियंस को, तो उसने इसको एक नेशनलिस्ट इशू करार दिया और उन्होंने कहा कि भाई ये जो बरतानिया ने पॉलिसी अपनी इम्प्लीमेंट किया डिवाइड एंड रूल, अब बरतानिया ने जो है वो इसने बरतानिया ने अंग्रेज़ों ने जो डिवाइड एंड रूल जो है वो शुरू कर दिया, यानी हमें ये डिवाइड कर रहे हैं और हुकूमत करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा प्रोविंस था उसको ये इन्होंने डिवाइड किया था। तो ये कह रहे थे कि भाई ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है, यानी इनको हिंदू और मुसलमानों को बांटो और इनकी जो नेशनलिज्म है वो ख़त्म करो, ठीक है, और फिर इनके ऊपर हुकूमत करो। तो ये इंडियंस और हिंदूज़ ने ये कहा था कि डिवाइड रूल पॉलिसी है अंग्रेज़ों की। फिर उन्होंने ये भी कहा था कि ये तो वीवी सेक्शन है, वीवी सेक्शन की इस पर ज़रा चेक करिएगा, वीवी सेक्शन अब मदरलैंड है, यानी हमारी जो मदरलैंड है, हमारी जो ज़मीन है, धरती माता है, उसकी वीवी उसकी डिवीजन है, ठीक है, हम नहीं होने देंगे। तो इसके खिलाफ़ जो है इन्होंने स्वदेशी मूवमेंट शुरू की थी। स्वदेशी का मतलब होता है कि अपने गुड्स जो अपनी जो चीज़ें हैं, ठीक है, उनको अहमियत दो और फॉरेन जो चीज़ें हैं उनको उनका बैकआउट करो। तो बैकआउट किया था इन्होंने ब्रिटिश गुड्स खरीद करने से या इंपोर्ट करने से इन्होंने बैकआउट किया था ट्रेडर्स ने, और इन्होंने तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ अंग्रेज़ों को इससे। और फिर उसके अलावा तालीम वगैरह भी की, एजुकेशन वगैरह भी इन्होंने किया। आखिरकार इसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने सोचा कि भाई इसको अनल किया जाए, इसको ख़त्म करते हैं, इसको अनल करते हैं, इसको रिवाइज करते हैं, यानी दोबारा से इनको मिला देते हैं। लॉर्ड मिंटो जो है जब चला गया 1910 तक ये चला गया था लॉर्ड मिंटो वाइसराय, उसके बाद जो है लॉर्ड हार्डिंग जे हार्डिंगेज जो है ये वाइसराय बने थे इंडिया के, तो इनकी तरफ जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक वफद भेजा कि भई हमें जो है वो ये डिवीजन ख़त्म कर दें, पार्टीशन जो है ख़त्म है, हमारी जो है वो जो इसके ख़िलाफ़ है, नेशनलिज्म के ख़िलाफ़ है, और ये वीवी सेक्शन है मदरलैंड का। तो इन्होंने इनको कहा कि जॉर्ज फाइव जो किंग ऑफ इंग्लैंड थे उनका विजिट था ड्यू यहाँ पे, वो 12 दिसंबर में वो आ रहे थे यहाँ पे, तो उसमें फिर जो है वो इन्होंने इस वायसराय के ज़रिए बात किंग तक पहुंची, वायसराय ने वो पार्लियामेंट में बात भेजी और पार्लियामेंट ने फिर उसको क्या कहते हैं कि अनाउंस किया, डिक्लेयर किया, यानी गो अहेड दी, और फिर जाके किंग ने आके 12 दिसंबर 1911 में दरबार एक कायम की थी दिल्ली में, तो यानी पब्लिक गैदरिंग एक की थी, उस पब्लिक गैदरिंग में जो है इसने अनाउंस किया था कि जो है वो बंगाल को दोबारा से हम मिला देते हैं। तो इसी तरह जो है वो बंगाल जो डिवाइड हुआ था 1905 में उसको 1911 में जो है वो अनल किया गया था, यानी तकरीबन ये 6 साल तक जो है वो चला रहा, डिवीजन कायम रहा। अब इसका कंक्लूजन मुसलमानों ने क्या निकाला, मुसलमानों ने कंक्लूजन ये निकाला कि भई जो हिंदू और ब्रिटिश हैं वो कभी भी मुसलमानों की भलाई नहीं चाहेंगे, तो मुसलमानों को जो है सेल्फ हेल्प पे रहना होगा, मुसलमानों को अपना जो है वो ख़ुद को मजबूत करना होगा, ख़ुद को यूनाइट करना होगा, ठीक है। दूसरा जो कंक्लूजन निकलता है वो ये कि मेजॉरिटी जो है, मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है इंडिया की, दैट इज़ नॉन मुस्लिम्स, तो वो उसकी कंसर्न्स या उसकी जो प्रेशर है उनकी तरफ से जो आता है गवर्नमेंट को, उसके आगे गवर्नमेंट घुटने टेक देती है। तो ये बड़ा जो है वो ब्रीफ मैंने आपको बताया पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में, ओवरव्यू आपको दिया है, और मज़ीद इसके बारे में आप जान सकते हैं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं हम, तो इसके हवाले में एक एक्टिविटी भी आप शेयर करूँगा, वो आपने फिल करके मुझे बतानी है। सी यू इन नेक्स्ट क्लास, थैंक यू सो मच।